Hello, dear students. We are going to take in this video lecture. We are going to take the subtopics relation between kinetic energy and linear momentum. हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़े, हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है. तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, छोटे से सब टॉपिक हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. और साथ में हम पढ़ेंगे पावर क्या होता है और पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है और पावर के यूनिट्स क्या है. इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में हम वो एक्सप्लेन करेंगे. सो बच्चों, आई होप यू विल लर्न इन ए वेरी प्रॉपर वे, यू विल कंसिडर प्रॉपरली. सो लेट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक सब टॉपिक. लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम विद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वी. The kinetic energy of the body, as you know, will be given by kinetic energy is equal to 1/2 mv square, where mass is the m is the mass of the body and v is the velocity of the body. This we have already read. ये हमने पढ़ा है already बच्चों. Kinetic energy का हमने expression निकाला. Kinetic energy क्या होता है? The energy produced by the body due to its motion. Kinetic energy and potential energy, they are the part of the mechanical energy. So the expression for kinetic energy is 1/2 mv square, where we have considered mass m of the body and velocity v of the body. Now अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखना है बच्चों, ऑन वी विल डिवाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड हम m से डिवाइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अबो दिस एक्सप्रेशन बाई m. वो एम से मल्टीप्लाई भी करेंगे और एम से डिवाइड भी करेंगे. सो ये जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, द काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय 1/2 एम वी स्क्वायर एम बाय एम. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एम और एम कट हो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स वन. तो ये यही ये एक्सप्रेशन रहेगा. मगर यहाँ पर हमें ये करने के लिए हमें ये वी वॉन्ट टू फाइंड समथिंग द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. फॉर दैट इस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया एम से. सो द नेक्स्ट स्टेप आपको समझ आएगा कि हमने क्यों किया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हमने क्यों किया एम से. सो जो ऊपर वाली ये 1/2 तो बाहर रहेगा, ऊपर वाला जो एम और एम जो है वो बनेगा एम स्क्वायर. तो वी स्क्वायर ऑलरेडी है और नीचे रहेगा एम. सो बच्चो ये हमने एम और एम मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया था 1/2 एम स्क्वायर को, क्योंकि हमें कुछ एक्सप्रेशन चाहिए. दैट इज 1/2 एम, ये बनेगा एम इंटू एम बनेगा एम स्क्वायर न्यूमरेटर में. वी स्क्वायर तो ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रहेगा एम. ये बनेगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम. तो 2m को हम रखेंगे साइड में, ये बनेगा 1/2 m. तो ये बनेगा एम वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको लिखेंगे एम वी का होल स्क्वायर. इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये क्यों करेंगे हम, बिकॉज ये इसलिए हम करेंगे क्योंकि एम वी जो है, एम वी ये बराबर है लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी. जो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, लीनियर मोमेंटम वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास इंड वेलोसिटी. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है. सो यहाँ पर एम वी जो है ये हम पी रखेंगे, पी ये लीनियर मोमेंटम के बराबर है. लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन है एम बराबर है एम पी बराबर है एम वी. सो यहाँ पर बच्चों ये बनेगा पी इज इक्वल टू एम वी, और ये है डेफिनेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम. सो इसीलिए हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो काइनेटिक एनर्जी को हमने एम से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था, और हमारे पास बन गई थी 1/2 एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम. और यहाँ पर m को 2 के साथ मिलाए, बनेगा 1/2 m. और यहाँ पर ये m स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिखेंगे एम वी का होल स्क्वायर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि जो एम वी है दैट इज़ p, दैट इज़ इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो ये इंप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हम क्या बनेगी, ये एक्सप्रेशन बनेगी, उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m. एम वी के बजाय हम लिखेंगे पी का स्क्वायर, वो एम वी के बजाय पी लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, बनेगा पी का स्क्वायर. सो
दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, इट विल रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. सो बच्चो, दिस इज ए स्मॉल सब टॉपिक कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है. सो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंट के दरमियान जो रिलेशन दैट इज गिवन बाय के ई इज इक्वल पी स्क्वायर बाय 2m. सो दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो बच्चो, नाउ वी विल टेक अनदर सब टॉपिक दैट इज पावर. पावर क्या होता है, पावर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर पावर हम निकालेंगे, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वाट पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे हम इसमें. सो बच्चों, जैसे वर्क पावर एनर्जी जो हम सब टॉपिक पढ़ते हैं, वर्क हमने पढ़ा, एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे. सो बीच में हम ये स्मॉल पावर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे पावर क्या होता है. बच्चों, पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज ए रेट एट विच द बॉडी कैन डू वर्क. गो पावर इज डिफाइंड एज ए रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क. गो दैट मीन्स पावर इज कॉल वर्क बाय टाइम. गो कितना काम कितने समय में करेगा एक बॉडी कितने समय में कितना काम करेगी, उसको बोलते हैं उस बॉडी का पावर. सो ये बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, वट इज पावर. पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज ए रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क. सो पावर इज डिफाइंड एज वर्क बाय टाइम. जब आपको कोई भी पूछेगा बच्चों डिफाइन पावर, सो यू विल डिफाइन द पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग एट विच द बॉडी इज डूइंग वर्क. सो कितने समय में कितना काम करेगी एक बॉडी, उसको हम बोल सकते हैं, उसको पावर बोल सकते हैं, पावर ऑफ द बॉडी. दस पावर ऑफ द बॉडी मेजर्स हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क. गो पावर से हमें पता चलता है, पावर ऑफ द बॉडी से हमें पता चलता है कि कितना ये मेजर करता है कि एक बॉडी कितना फास्ट काम करेगी. व्हेन ए बॉडी टेक्स लेसर टाइम टू डू ए पीस ऑफ वर्क, इट्स पावर इज सेड टू बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा. जब एक बॉडी कम समय में काम करेगी, एक पीस ऑफ वर्क कम समय में करेगी, कम टाइम लगाएगी, उसको बोलते हैं उस बॉडी का पावर ज़्यादा है. सो बच्चों, हमेशा आपको याद रखना है, द पावर ऑफ द बॉडी मेजर्स हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क. कितना फास्ट ये पीस ऑफ वर्क या काम कर सकती है. व्हेन ए बॉडी टेक्स लेसर टाइम टू डू ए पीस ऑफ वर्क, जब एक बॉडी को लेस टाइम लगेगा एक पीस ऑफ वर्क को करने में, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी का पावर है, दैट इज बॉडी हैज़ ग्रेटर पावर एंड वाइस वर्सा. अगर बॉडी ज़्यादा टाइम लगेगी एक काम को, एक पीस ऑफ वर्क को करने में, तो हम उसको बोलते हैं कि बॉडी हैज़ लेस पावर. सो व्हेन ए बॉडी takes lesser time to do a piece of work, we say that its power is greater and vice versa. That means if the body takes more time to do a piece of work, then we can say the power of the body is lesser. वो कम समय में एक body कितना काम करेगी, जितना ज़्यादा काम करेगी उतना बहुत अच्छा है. When a body takes lesser time, जितना कम समय एक बॉडी एक पीस ऑफ वर्क को करने में लगाएगी, तो उसको उस बॉडी का पावर ज़्यादा होता है और एंड वाइस वर्सा. ये हमने पावर के बारे में डिफरेंट, पावर क्या होता है उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा. सो अनदर एक्सप्रेशन जो पावर है वो हम बोल सकते हैं, जैसे पावर हमने डिफाइन किया रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो पावर इज वर्क डिवाइड बाई टाइम. वर्क बाई टाइम गो रेट ऑफ डूइंग वर्क. और हम पावर को लिख सकते हैं, वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ इंटू एस. गो व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव्स विद सम डिस्टेंस एंड बॉडी मूव्स विद टू सम डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस, वायर एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड एस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी. सो पावर को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी, बिकॉज वर्क को हम रेफरेंस कर सकते हैं एफ डॉट एस, वायर एफ इज अ वर्क force applied on the body and the body moves through a distance s. So work, body has done work. Go work can be written as f dot s. और time है t, कितने time में एक body ने कितना काम किया और कितने time पर उसको force apply किया गया. So ये यहाँ पर another expression for power हम निकाल रहे हैं.
वो बराबर है पी इज्कल एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी, बट एस बाई टी डिस्टेंस बाई टाइम दैट इज नोन एज वेलोसिटी। वो वेलोसिटी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो एस बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस एक्सप्रेशन बिकम्स पी इंटू एफ डॉट वी, वो एफ बाई टी एस बाई टी के बजाय हम लिखेंगे वी, वो एफ बाई एस बाई टी के बजाय हम लिखेंगे वी। सो ये बनेगा एफ इंटू वी, सो बिकॉज वी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस बाई टी रिप्रेजेंट वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये एक्सप्रेशन बनेगा एफ डॉट एस बाई टी, तो ये बनेगा पी इज इक्वल टू एफ इंटू एस बाई टी के बजाय हम लिखेंगे वी, एस बाई टी के बजाय हम वी लिखेंगे यहाँ पर। सो ये बनेगा एफ डॉट वी, सो एफ डॉट पी इज़ एफ डॉट वी, दिस इज फर्स्ट। सो ये हम इसको फर्स्ट रखेंगे, गो दिस इज द एक्सप्रेशन अनदर एक्सप्रेशन फॉर पावर पी इज कॉल एफ डॉट वी फोर्स इंटू वेलोसिटी। नाउ तो दस यहाँ से हम ये पावर को डिफाइन कर सकते हैं, दस पावर ऑफ ए बॉडी कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो यहाँ से हम बच्चों एक अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर दे सकते हैं, वी कैन गिव अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर फ्रॉम हियर दैट द पावर ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइनड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो बच्चों यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन ऑफ पावर बोल सकते हैं कि द पावर ऑफ द बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो पहले हमने डिफाइन ऑफ पावर किया, पावर ऑफ द बॉडी जो फाइन रेट ऑफ एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क, पावर इज कॉल्ड वर्क बाय टाइम। लेकिन इस डेफिनेशन से अनदर डेफिनेशन से हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डिफाइनड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये आपको याद रखना हमेशा, दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर इज ए सिंगुलर क्वांटिटी दैट इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जैसे आपको आपको पता है कि सिंगुलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो पावर सिंगुलर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ नो डायरेक्शन। वाइल जो वेक्टर क्वांटिटी होती है दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट पावर इज ए सिंगुलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। द डायमेंशनल ऑफ फार्मूला ऑफ पावर इज एम रेज पावर एन, एम रिप्रेजेंट्स फॉर मास, एल रिप्रेजेंट्स फॉर लेंथ और डिस्टेंस, एल एम वन एल रेज पावर टू, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, टी रेज पावर माइनस थ्री। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने यूनिट वन पढ़ा था। डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर इज एम वन एल 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 रेज पावर टू, टी रेज पावर माइनस थ्री, एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल्स पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट ऑफ पावर है दैट इज वाट और जूल्स पर सेकेंड, द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड। ये बच्चों आपको याद रखना है, एसआई यूनिट ऑफ पावर है वाट और जूल्स पर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड। द बिगर यूनिट ऑफ पावर आर किलो वाट और मेगा वाट, और जो बिगर यूनिट ऑफ पावर होता है वो होता है किलो वाट या मेगा वाट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वायर वन किलो वाट होता है 10^3 वाट्स, एंड वन मेगा वाट इज कल 10^6 वाट। सो बच्चो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप इट इन अवर माइंड, हमेशा आपको ये माइंड में रखना है कि पावर सिंगुलर क्वांटिटी है, पावर का जो डायमेंशन फार्मूला है एम रेज पर वन एल रेज पर टू टी रेज पर माइनस थ्री है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट और जूल्स पर सेकेंड, द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड, एंड द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट और मेगावाट, किलोवाट भी बोलते हैं या मेगावाट भी बोलते हैं। वायर वन किलोवाट होता है 10^3 वाट्स, जिस तरह हम 1 kg लिखते हैं 1000 grams, इसी तरह 1 kW होता है बराबर 10^3 वाट, वो 1000 वाट्स, एंड वन मेगावाट बराबर होता है 10^6 वाट। ये आपको याद रखना है, 1 kW होता है 10^3 वाट, एंड 1 MW होता है 10^6 वाट। ये आपको बच्चों हमेशा के लिए याद रखना है। अनदर पॉपुलर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। सो बच्चों यहाँ पर ऐसा यूनिट भी हमने पढ़ा, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर भी पढ़ा, बिगर यूनिट ऑफ पावर भी पढ़ा, किलोवाट मेगावाट, 1 kW बराबर 10^3 वाट के बराबर और 1000 वाट, और 1 MW होता है 10^6 वाट, एंड अनदर पॉपुलर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। वायर 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वाट। जो दूसरा यूनिट होता है पॉपुलर यूनिट ऑफ पावर है दैट इज हॉर्स पावर,
हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो नाउ वी विल हम डिफाइन करेंगे वाट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ वाट। वी नो दैट पी बराबर है डब्ल्यू बाई टी, गो दैट मीन्स गो। अभी हमने पावर का डिफरेंस पढ़ा, पावर इज पावर ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट एट द बॉडी कैन डू द वर्क, गो पी इज कल डब्ल्यू बाई टी, वर्क बाई टाइम। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, अगर हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखेंगे इसको, तो ये बनेगा पावर का यूनिट है 1 वाट, वर्क का यूनिट है 1 जूल, एंड टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड। गो इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे, तो पावर का यूनिट अभी हमने पढ़ा दैट इज 1 वाट, वर्क का यूनिट है 1 जूल, और टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड। वो ये हमने इसमें लिखा, यूनिट्स में लिखा पावर को। सो पावर ऑफ ए बॉडी इज सेट टू बी 1 वाट। गो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी 1 वाट व्हेन इफ इट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। सो यहाँ पर इस डिफिनेशन से हम बोल डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी 1 वाट इफ इट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। वो जब एक बॉडी 1 जूल ऑफ वर्क करेगी 1 सेकेंड में, तब हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ द बॉडी है 1 वाट। तो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आई होप यू मे अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे। यू रिपीट द वीडियोज 1 or 2 times एंड यू कंसंट्रेट यूर स्टडी मटीरियल साथ साथ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कंसेप्ट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू द वीडियोज एंड यू विल अंडरस्टैंड दम प्रॉपरली। थैंक यू।